नमस्कार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव। अब आइए हम एक बहुत चूंकि बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी की है, आज मैं किसी रोग पर चर्चा नहीं करूंगा, चूंकि बहुत चर्चाएं रोग पर हो चुकी हैं और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में मेरी तमाम रोगों पर चर्चाएं आने वाली हैं, जिसका आप सबको इंतजार है। मैं आज चर्चा कर लेता हूं आपके एक जटिल सवाल पर, और आप सबका जटिल सवाल है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां जल में देना उचित है या अल्कोहल में या ग्लोबुल्स में। ये तीन प्रोसीजर हमारे सामने हैं। ग्लोबुल्स में देना, ग्लोबुल्स के आधार, जल के आधार और अल्कोहल के आधार। मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष भी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मान्यता के भी संदर्भ में, हमारे चिकित्सकों को जानने के लिए भी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भविष्य के लिए भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर जहां तक जल की बात है, 97.2% भाग पानी है, जो समुद्र में, नदी में, झील में, तालाबों में, झरनों में पाया जाता है। और हमारे इस पृथ्वी पर पीने योग्य जो जल है वो 2.8% ताजा जल, जिसे हम कह सकते हैं। और यही 2.8% ताजा जल हमारे विभिन्न जीवों के लिए उपयोग में लाया जाता है, वनस्पतियों के लिए भी। मैं आज सब, आप सब मेरे लाइन पर, बहुत से साथी लाइन पर हैं और आप सबके बड़े खूबसूरत स्टिकर और आप सबके नमस्कार, आप सबके शुभ संदेश आ रहे हैं। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आपके टिप्पणियों को पढ़ के जवाब दूंगा, चूंकि मैं यहां पर बहुत महत्वपूर्ण विषय ले चुका हूं। इस नाते अभी आपके नामों की चर्चा या आपके नामों के साथ मैं आपसे संबोधन नहीं कर सकता, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, चूंकि मैं अपना समय बचा रहा हूं, आपके नाम पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा। इस 2.8% जल में हमारे सभी पौधे और जीव जो इस विश्व पर निवास करते हैं, ये सभी इसका उपयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीव की संरचना कोशिका से हुई है। कोशिका का महत्वपूर्ण भाग साइटोप्लाज्म जलीय है। कोशिका के अंदर का महत्वपूर्ण भाग क्रोमोजोम्स डीएनए, जिसमें प्रोटीन आरएनए होता है, वहां भी जल की प्रतिशत मात्रा है। हमारे लिम्फ और ब्लड में भी जल की मात्रा है। हमारे कोशिकाओं से मिलने वाले ऊतक और ऊतक के अंदर बनने वाले ऊतक सिस्टम या टिश्यू सिस्टम और या टिश्यू फ्लूइड, जिसको मान लें ईसीएफ और टिश्यू फ्लूइड या एक्सोप्लाज्म, वहां पे भी जल की मात्रा है। फिर आप वनस्पतियों में जाएं तो वनस्पतियों के कोशिकाओं में भी जल की प्रतिशत मात्रा 97% है। यानी यह है कि हम अपने कोशिकीय संरचना में जल के महत्व को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब अगर हम जल के गुणों की बात करें तो जल तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। यानी इसको हम तीनों रूपों में रख सकते हैं अपने पास, परिवर्तित करके। जल की एक स्थिर मार्कर पॉइंट होता है जिसको हम 0 से 100 डिग्री मानते हैं। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर तापमान चला गया तो जल हमारा जम के ठोस हो जाता है, और 100 डिग्री से ऊपर चला गया तो खौल करके भाप बनने लगता है। यानी इसका एक मार्कर पॉइंट है कि 0 से 100 डिग्री के बीच हम इसका प्रयोग हमेशा तरल रूप में कर सकते हैं। जहां तक इसके विलायक होने की बात है, ये एक यूनिवर्सल विलायक है। ज्यादातर पदार्थ, ज्यादातर मिनरल्स इस जल में घोले जा सकते हैं, मिलाए जा सकते हैं, और हमारे साइटोप्लाज्म में जल या हमारे लिम्फ में और ब्लड में जल बड़े आसानी से अपना प्रवाह कर सकता है। हम अगर बात करें तो इनके अणुओं में एक सामंजस्य होता है, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इस नाते जल के अणुओं को बिखेरना या उनको इधर से उधर जल्दी से तोड़ मरोड़ करके अलग करना, ये बहुत रेयर केस में होगा जब हम इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन करेंगे। यानी जल के साथ हम अगर कोई भी औषध लेते हैं तो वो जल के साथ, जल के अणुओं के साथ सामंजस्य बनाता हुआ हमारे टारगेट सेल तक आसानी से पहुंच जाता है। छः सौ चालीस शताब्दी में एक यूनानी, जिसको हम कह सकते हैं फिलोसफर थे, थेल्स आप मिलिटस ने बताया था कि पानी जो है पूरे ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण तत्व है। यह पहले तत्व कहा गया, लेकिन 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे कैवेंडिक, इन्होंने ये कहा कि पानी तत्व नहीं है बल्कि यौगिक है। ये सब मैंने आपसे इसलिए कहा, तत्व और यौगिक की चर्चा इसलिए की,
कि बार बार हमारे तमाम साथी कहते हैं कि आप मैटी के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और मैं बार बार ये कहता हूं कि मैटी जी ने हमको एक पैड दिया था चलने का, हम उस सिद्धांतों उनके उस विचारों को उनके किए गए कार्यों को उनके किए गए प्रयोगों पर आज विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक युग है, यहां पर दौड़ है, शोधन है, मंथन है। ठीक उसी तरीके जैसे यूनानी वैज्ञानिक ने कहा कि जल एक तत्व है, और अंग्रेज वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी में इस बात को कहा कि जल एक यौगिक है, और आज जल को यौगिक ही माना जाता है क्योंकि जल में H2O है, जहां पे ऑक्सीजन एक द्विध्रुवीय बंध से हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जल का निर्माण करता है। जल के आयनाइजेशन में बहुत रेयर केस पे ऑक्सीजन लगभग 55 करोड़ 10 लाख जल के अणुओं में से केवल एक अणु आयनित होता है, यानी जल के अणुओं में आपस में एक दूसरे को बांध के रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले या रासायनिक विज्ञान को जानने वाले लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एल्कोहल की, जिसको आप रेक्टिफाइड स्प्रिट या RS कहते हैं कि RS में दवा दी जाए कि ना दी जाए। जहां तक रेक्टिफाइड स्प्रिट और जल के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी क्वथनांक जिसे आप कहते हैं, दोनों के बीच का अंतर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड का है। जल हमारा 100 डिग्री पर खौलता है तो लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा एल्कोहल खौलने लगता है। यानी अगर हम जल से को भाप बना करके कोई प्रोसेस या कोई दवा या कोई मिनरल्स को चेंज करना चाहे तो हमको 100 डिग्री तक जाना पड़ता है, और एल्कोहल को तापमान जैसे 78 के आसपास पहुंचता है तैसे वो खौलने लगता है। तो इस नाते दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है। हमारे शरीर में 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जल आराम से बह सकता है, आराम से ब्लड के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, लिम्फ के साथ हो सकता है, लेकिन एल्कोहल का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये OH है, और OH में अगर केमिस्ट्री की जानकार हो तो sp3 ऑर्बिटल में इसके अणु घूमते हैं, जहां पर s का आयतन बहुत कम होता है, ये p ग्रुप के थर्ड ग्रुप में जाकर के इनके इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते हैं OH के, और इनमें जो दुर्बल अम्लीय जो प्रवृत्ति है उसके कारण ये हल्के अम्लीय प्रभाव दिखा पाते हैं। हम बात कर लेते हैं घनत्व की। जल का घनत्व 1 kg प्रति लीटर होता है, और वहीं पे एल्कोहल का जो घनत्व होता है वो 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो दोनों में अंतर यह है। अब हम जब तुलना करते हैं अपने शरीर के ब्लड और लिम्फ के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ब्लड और लिम्फ का जो सरफेस टेंशन होता है वो हमारे जल के सरफेस टेंशन से मैच करता है। इस कारण हम दवाओं का प्रयोग जल में करना ज्यादा उचित समझते हैं। एल्कोहल में देने का तात्पर्य हो गया कि एल्कोहल को हम प्रिजर्वेशन में करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए। तो कम से कम बूंदे का प्रयोग हम इसलिए आपसे बताते हैं कि आप 10 बूंद से 15 बूंद डिस्टिल्ड वाटर में डाल लें, क्योंकि यह हल्का अम्लीय होता है तो उसका असर भी जाकर के हमारे पानी में जल को खट्टा करने की प्रवृत्ति में बढ़ा देता है। और इसीलिए हमारे बहुत से साथी इस बात की शिकायत करते हैं, सर हमने RS डाला तब भी उसमें हमको फंगस इन्फेक्शन दिखाई पड़ रहा है। दरअसल वो फंगस नहीं होता है, वो उसका अम्लीय पार्ट होता है जो जल से निकल करके इकट्ठा हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उसको हिला दीजिए और छान करके अलग कर दीजिए और फिर उसको रख दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोब्यूल्स की। ग्लोब्यूल्स में चूंकि पेरिसिबो से या ग्लूकोज के पाउडर से हम ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, तो उस ग्लोब्यूल्स में हम जब दवाओं को मिश्रित करना चाहते हैं तो हम जल के माध्यम से मिश्रित नहीं कर पाते, क्योंकि जल अगर डालेंगे तो तत्काल हमारा ग्लूकोज की जो ग्लोब्यूल्स है वो घुल जाएगा। इस नाते वहां पे रेक्टिफाइड स्प्रिट या RS का प्रयोग हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम दवा को इसके साथ मिक्स करके ग्लोब्यूल्स में पहुंचाएं, फिर हम उस ग्लोब्यूल्स को जल में घोल के ही प्रयोग करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम क्षण में हम ग्लोब्यूल्स को भी जल में घोल के देते हैं। तो अच्छा है कि हम जल में ही उसको बना करके जल का ही प्रयोग करें, क्योंकि जल के सारे गुण हमारे कोशिका के साइटोप्लाज्म से मिलते हैं, जल के सारे गुण हमारे ब्लड और लिम्फ से मैच कर जाते हैं, और दोनों की सांद्रता पर मैचिंग हो जाती, दोनों के pH मान पर वैलिडिटी बराबर हो जाती है। और जहां तक आयनाइजेशन की बात है, हमारे बहुत से साथी बात करते हैं कि ये कोलाइडल स्टेट में नहीं आ जाता है, और विभिन्न प्रकार के आयनाइजेशन पर चर्चा होती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में औषधियों को जल के साथ देने पे इनका आयनाइजेशन, इनके औषधियों का इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे ECF में और टिश्यू फ्लूड में जाकर के कार्य करने की क्षमता पहले से बेहतर हो जाती है, और 1/300 सेकंड प्रति मीटर ये अपने दौड़ की काम को कंप्लीट कर लेते हैं हमारे बॉडी में। तो इस नाते आप मान के चले कि आपके शरीर का लगभग 1.5 मीटर आपके शरीर की लंबाई होती है, तो 1/300 सेकंड प्रति मीटर अगर ये दौड़ सकते हैं आयनाइजेशन करते समय, तो कितनी शीघ्रता से ये हमारे
सर से लेकर के पैर के अंगूठे तक अपना कार्य या अपने टारगेट स्थल तक पहुंच सकते हैं। मैं समझता हूं एक संक्षिप्त में बहुत वैज्ञानिक या बहुत जटिलता के साथ नहीं बल्कि आम बोलचाल की भाषा में मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को जल में देना ही क्यों उचित है। जल में देने से आपका जो बॉडी में काम करने की क्षमता है हमारे अणुओं में वो तेज होगी। एल्कोहल में देने से वो परसेंटेज वो कार्य करने की दर कम आएगी क्योंकि एल्कोहल का रिएक्शन साइड इफेक्ट भी देता है। ये जाके हमारे शरीर के विभिन्न भौतिक रासायनिक क्रियाओं से क्रिया भी करता है और हमारी कोशिकाओं को जाकर के ये डिस्टर्ब भी करता है। हमारे ब्लड और लिम्फ के से मैच नहीं करता हमारे टिश्यू फ्लूड और ईसीएफ से। ईसीएफ का तात्पर्य होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो हमारे तंत्रिकाओं के बाहर होता है यानी हमारे मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के बीच का जो द्रव पदार्थ होता है उसे हम ईसीएफ कहते हैं और तंत्रिकाओं के अंदर जो द्रवीय पदार्थ होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो एक्सोप्लाज्म और ईसीएफ में एल्कोहल के अणुओं का जो विभाजन होता है वो बहुत जटिल होता है जो कि रिएक्शन भी कर सकता है उसका साइड इफेक्ट भी दे सकता है। अगर रेक्टिफाइड स्प्रिट जो जिसमें लगभग 97.2% की शुद्धता होती है जिसमें जल का परसेंटेज लगभग 1.6% होता है तो इस नाते जब उसमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो जाकर के हमारे टिश्यू फ्लूड से सीधे रिएक्ट करता है और हमको उसका एग्रावेशन या उसका साइड इफेक्ट भी दिखाई पड़ता है। इसलिए साइड इफेक्ट से बचने के लिए एग्रावेशन से बचने के लिए हमको अपनी दवाओं का प्रयोग जल में ही करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपने बुधवार के अगले क्लास में किसी नए टॉपिक पर। जाने से पहले हमारा फोन कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9793252355 पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, अपने रोगियों का वीडियो कॉल भी करा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपने रोगियों से वीडियो कॉल कराने से पहले हमारी कंसल्ट फीस या हमारा परामर्श शुल्क 200 रुपये हमारे पेटीएम नंबर 7902585882569 पर या हमारे फोन पे नंबर 9450563748 पर भेज सकते हैं। परामर्श लेने से पहले आप शुल्क भेजेंगे तो हमें लगेगा कि आप अपने सीनियर साथी की राय लेना उचित समझ रहे हैं। आपको सर्दी खांसी जुकाम भी आप पूछना चाहते हैं, आप छींक आए तो उसकी भी दवा पूछना चाहते हैं और विशेष करके आप अपने परिवार के सदस्यों की बहुत ज़्यादा दवाएं पूछते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि परिवार के सदस्यों पर आप स्वयं रिसर्च करें तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के बारे में भी हमसे व्यक्तिगत राय लेना शुरू कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि आप सिर्फ पकी पकाई तहरी खाना चाहते हैं। आप स्वयं न गैस का चूल्हा जलाना चाहते हैं न उस पर चावल दाल मिला करके या सब्जी काट के आप तहरी बनाना या उसको मिलाना भी सीखना नहीं चाहते। इसको हम ये मान लें कि जैसे आप किसी हॉस्टल में हैं और आपका खाने का इंतजार कर रहे हैं कि बना बनाया थाली हमारे सामने आएगी और हम खा लेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कंसल्ट फीस मैंने इसलिए लगा रखी है कि मुझे पैसे के लिए नहीं मैंने लगाया है कि आप मुझे 200 रुपया दे तो मैं आपको दवा बताऊं। मैंने इसलिए लगाया है कि आप उस 200 रुपये से हो सकता है बच जाए और आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें। कुछ तो दिमाग लगाइए, पहले आप दिमाग लगाइए, खपाइए अपने रोगी के साथ। जब आप एक दो बार आप देख रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है या विषम परिस्थितियों में आपको लगता है कि मेरी राय की आवश्यकता है तो आप हमारे कंसल्ट फीस के साथ अपने रोगी के रोग के बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं। हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आप सबकी जितने भी फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं मैं सबकी पैकिंग करके उनको भेज देता हूं। लगभग इस समय पोस्ट ऑफिस की जो कार्य करने की क्षमता है 4 दिन से 5 दिन में पूरे देश में किताबें हमारी पहुंच जा रही हैं और सबके कॉल आ रहे हैं कि किताबें आप हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अभी अपने अंतिम चरण में चल रही है लिखने के, बहुत जल्द हम उसको टाइप करा के कंपोज करा के प्रेस को हैंड ओवर करने वाले हैं। बस इंतजार करिए हमारे आने वाले नए वर्ष का जिसमें हम आपको अपनी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ साथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी आपको समर्पित कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।